हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 4th and 5th of April के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 4th अप्रैल को सबसे पहले होता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, इसमें क्या होता है कि जो माइंड्स के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें डिसेबिलिटीज हो जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं, तो उसकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। प्रोटेक्टिंग लाइव्स, माइंड्स के अंदर लोगों की जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना और शांति बनाए रखना। राइट, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैरेट डे। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इंटरनेशनल कैरेट डे जो होता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है सैलेड की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए। सैलेड की इम्पोर्टेंस लोगों को बताई जाती है। राइट, तो अभी तक ये जो इंटरनेशनल कैरेट डे है, ये फ्रांस, इटली, स्वीडन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूके के अंदर ही ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं 5th अप्रैल। 5th अप्रैल में कौन सा इम्पोर्टेंट डे होता है? नेशनल मैरिटाइम डे। 5th अप्रैल को होता है नेशनल मैरिटाइम डे, और इस साल का थीम क्या है? नेशनल मैरिटाइम डे, या फिर नेशनल जो है मर्चेंट नेवी डे भी इसको बोल देते हैं। तो इस साल का थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। राइट, अब ये जो नेशनल मैरिटाइम डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है जब नेशनल मैरिटाइम वीक ख़त्म होता है 5th अप्रैल को। राइट, तो नेशनल मैरिटाइम वीक या फिर नेशनल जो मर्चेंट नेवी वीक है, ये होता है 30th ऑफ मार्च 2024 से लेकर 5th अप्रैल 2024 तक था। 5th अप्रैल को ये वीक ख़त्म हो गया और इस दिन हमने ऑब्जर्व किया नेशनल मैरिटाइम डे या फिर नेशनल मर्चेंट नेवी डे। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन 5th अप्रैल 1919 के अंदर हमने अपना जो वेसल था, इंडिया का वेसल था, जिसका नाम था एसएस लॉयल्टी, ये इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ने। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया से यूनाइटेड किंगडम पहुंचा था ये वेसल। वेसल का नाम था एसएस लॉयल्टी। राइट, तो तब से ये जो नेशनल मैरिटाइम डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या है? वीक का थीम क्या है? वीक का थीम है सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हिप ड्रॉप टैकल। हिप ड्रॉप टैकल, इसको बैन कर दिया गया है। तो ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? हिप ड्रॉप टैकल क्या होता है कि जो प्लेयर होते हैं वो डिफेंडर्स को क्या करते हैं, डिफेंस में ये हिप से पकड़कर ऐसे उसको रोकते हैं। राइट, तो ये कौन सी गेम में होता है? ये होता है फुटबॉल की गेम में। कौन सी गेम में होता है? फुटबॉल की गेम में होता है हिप ड्रॉप टैकल, जिसको कि बैन कर दिया गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लेयर्स होते थे उनको चोट वगैरह ज़्यादा लगती थी, जिसकी वजह से ये जो हिप ड्रॉप टैकल है इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है कीनियन ऑलराउंडर कॉलिन अबुआ। कॉलिन अबुआ ये रिटायर हो चुके हैं। 2001 से इन्होंने खेलना शुरू किया था, तो 23 इयर्स तक ये खेले। अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, रिटायर हो चुके हैं। तो ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? कौन सी गेम से इन्होंने रिटायरमेंट ली है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट गेम के प्लेयर थे कॉलिंस अबुआ। राइट, कहाँ के हैं? कीनिया के हैं। नेक्स्ट, विच टीम ऑफ आईपीएल रिकॉर्ड्स हाईएस्ट स्कोर ऑफ ऑल द टाइम?
आईपीएल की कौन सी टीम है जिसने हाईएस्ट स्कोर बनाया है, तो टीम का नाम है सनराइजर्स। सनराइजर्स ने हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बना लिया है। स्कोर कितना था इनका? स्कोर था 277 रन्स, जिसमें 3 आउट हुए थे। 277 रन्स बनाए थे। अब ये जो आईपीएल होता है 20 ओवर्स का होता है, तो 20 ओवर्स में 277 रन्स इन्होंने बनाए थे। लास्ट जो रिकॉर्ड था वो किसका था? आरसीबी का। आरसीबी का कितना था? 263 का रिकॉर्ड था, जिसको इन्होंने तोड़ा है 277 रन्स का। अब जो है हाईएस्ट स्कोर का जो रिकॉर्ड है वो बन चुका है। तो ये कौन सी टीम के साथ खेले थे सनराइजर्स? ये मुंबई इंडियंस के साथ खेले थे। मुंबई इंडियंस को इन्होंने बीट किया था, हराया है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज को चेयर्स इन FIH एथलीट्स कमेटी। FIH क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट्स कमेटी के नए कोच चेयर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो नए कोच चेयर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है PR श्रीजेश और दूसरी है कैमिला करम। PR श्रीजेश ये तो इंडिया के ही है और जो कैमिला करम है ये है चिले की, राइट। तो ये दोनों जो है ये अपॉइंट किए गए हैं कोचेयर्स इन FIH एथलीट्स कमेटी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, निधु सक्सेना अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। निधु सक्सेना कौन सी बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? ये बने हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD CEO कौन है? निधु सक्सेना, राइट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र निधु सक्सेना, आप इसको याद रख सकते हो। M से महाराष्ट्र, M से नेक्स्ट, N से निधु सक्सेना। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। फ्रॉम द कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये नई बुक आई है। तो इस बुक के ऑथर कौन है? ऑथर का नाम है S रमन। S रमन पहले कैनरा बैंक के CMD भी रह चुके हैं। कैनरा बैंक के ये पहले CMD थे। इसके अलावा ये सेबी के भी फुल टाइम मेंबर रह चुके हैं। सेबी के भी ये फुल टाइम मेंबर रह चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है द बुक नेम्ड कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बुक लिखी है, इसके राइटर कौन है? इसकी राइटर है मधुमिता मुर्गिया। मधुमिता मुर्गिया ये इसकी राइटर है। बुक का नाम क्या है? कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI। लिविंग इन द शैडो ऑफ AI, कोड डिपेंडेंट ये बुक है। अब ये मधुमिता मुर्गिया कौन है? ये एक जर्नलिस्ट है। तो इसके लिए ये जो बुक इन्होंने लिखी है इसके लिए इनको जो है अवार्ड भी दिया जा रहा है। अवार्ड कौन सा है? इसके लिए इनको वेमेंस अवार्ड दिया जा रहा है। कौन सा अवार्ड है? वेमेंस अवार्ड के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये जो है ये पहली इंडियन ब्रिटिश वेमेन है जिनको ये वेमेंस अवार्ड जो है अनाउंस किया गया है जिनके लिए, राइट। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट साउथ इंडियन एक्टर हु गॉट अ वैक्स स्टैचू एट मदामे तुसाद दुबई। मदामे तुसाद दुबई के अंदर वैक्स स्टैचू बनाया गया है। कौन से साउथ इंडियन एक्टर का वैक्स स्टैचू ये बनाया गया है? तो एक्टर का नाम है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन का वैक्स स्टैचू बनाया गया है कहाँ पे? मदामे तुसाद दुबई के अंदर, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ओम शेप्ड टेम्पल, ये है ओम शेप्ड टेम्पल, ये ओम शेप का टेम्पल बनाया गया है। कौन सी स्टेट के अंदर है इंडिया की? ये है राजस्थान स्टेट के अंदर है। इसको ओम आकार टेम्पल भी बोला जाता है या फिर ओम शेप्ड टेम्पल बोला जाता है, राइट। राजस्थान में जादा विलेज पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये टेम्पल बनाया गया है और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1995 के अंदर। और इसका जो सेंट्रल फीचर है, सेंट्रल जो है टेम्पल का सेंटर में टॉम है गुरु माधव नंद जी की। किसकी टॉम बनाई गई है? गुरु माधव नंद जी की। इस टेम्पल की हाइट है 135 फीट और इसके अंदर टोटल 2000 पिलर्स हैं, राइट।
नेक्स्ट है, हु इज द विनर ऑफ टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड. टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये विजय जैन जी को दिया गया है. विजय जैन ये रियल इस्टेट से रिलेटेड है. कौन सी रियल इस्टेट कंपनी चला रहे हैं? ये स्टार इस्टेट्स के एमडी है. कौन सी रियल इस्टेट कंपनी के एमडी है? स्टार इस्टेट्स के. और ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी ये नोएडा के अंदर हुई थी, टाइम्स ग्रुप के द्वारा करवाई गई थी, ऑर्गेनाइज करवाई गई थी. राइट. नेक्स्ट है आईएमटी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज. ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थ्री कंट्रीज के बीच में होती है. राइट. बायलेटरल जो होती है वो टू कंट्रीज के बीच में होती है, और ट्राइलेटरल जो होती है वो थ्री कंट्रीज के बीच में होती है. तो आईएमटी के अंदर कौन सी तीन कंट्रीज है? इंडिया, मोजम्बिक एंड तंजानिया. इंडिया, मोजम्बिक एंड तंजानिया, इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है. तो ये कौन सी कंट्री के अंदर हुई है इन तीनों में से? तो वो हुई है मोजम्बिक के अंदर. कौन सी कंट्री में? मोजम्बिक के अंदर ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हेल्ड करवाई गई है. राइट. नेक्स्ट है सेमिनार मेगियान 2024 हेल्ड इन. मेगियान सेमिनार हुआ है, नेवी का है ये. तो ये कौन कहाँ पे हुआ है ये सेमिनार? ये हुआ है सदरन नेवल कमांड्स में. मेगियान 2024 सेमिनार जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? सदरन नेवल कमांड्स के अंदर हुआ है. सदरन नेवल कमांड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोची के अंदर. कहाँ पे है? कोची में. इसके अलावा नेवी की तीन कमांड्स है, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदरन. वेस्टर्न कमांड्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है मुंबई के अंदर. वेस्टर्न का कहाँ पे है? मुंबई के अंदर. और ईस्टर्न जो ईस्टर्न नेवल कमांड्स है उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में. विशाखापट्टनम में. राइट. थीम क्या है? ये जो मेगियान सेमिनार हुआ है इसका थीम था एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन. एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन. राइट. नेक्स्ट है इसरो से रिलेटेड न्यूज है. इसरो एक स्टार्ट सेमिनार जो है वो शुरू करने जा रही है. स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप इसको बोल सकते हो. स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है इसरो. किसके लिए है ये जो स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम? स्टार्ट क्या है? ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है. यंगस्टर्स के लिए है ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है. यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, सो दैट कि वो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना इंटरेस्ट शो करें. तो इसके लिए ये एक स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है. स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग. स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग. राइट. फिर नेक्स्ट है आफ्सपा. आफ्सपा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. आफ्सपा की फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. स्पेशल पावर एक्ट. ये एक्ट कब आया था? ये आया था 1958 के अंदर ये एक्ट आया था. इसमें क्या था कि जो आर्मी पर्सोनल्स हैं अगर उनको किसी पे डाउट है कि इनका किसी भी जो है टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोई कांटेक्ट है, कोई लेना देना है, तो वो उसको शूट कर सकते हैं. तो रिसेंटली ये जो आफ्सपा एक्ट है ये पूरे इंडिया में नहीं है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ पार्ट्स में है ये जो आफ्सपा एक्ट है. तो रिसेंटली इसको असम के चार डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक्सटेंड किया गया है. रीज़न बीइंग कि ये देखने में आया है कि ये जो चार डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे कोई एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से ये जो आफ्सपा एक्ट है इसको इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो लागू किया गया है. राइट. तो डिस्ट्रिक्ट कौन से है? तिनसुखिया, डिब्रूगढ़, चराइदियो एंड शिवसागर. राइट. तो ये चार डिस्ट्रिक्ट है असम के जहाँ पे आफ्सपा एक्ट को एक्सटेंड किया गया है. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.